السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. आज हम इंशाल्लाह रिस्क में कुशादगी की दुआएं पढ़ेंगे. अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और पैदा करने के बाद यूं ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि इंसानों की जरूरियात भी पूरी की, उन्हें रिस्क अता किया, उन्हें जिंदगी बसर करने के असबाब भी फराहम किए. सूरत अर-रूम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम थुम्मा रज़क़कुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शय सुभानहु व तआला अम्मा युशरिकून. अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया है, फिर तुम्हें रिस्क दिया है, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुम्हें जिंदा करेगा. क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो इन कामों में से कुछ भी करे, यानी जिंदगी दे और रिस्क दे या मौत दे? वो पाक है और बहुत बुलंद है उससे जो वो शरीक ठहराते हैं. तो अल्लाह सुभान व तआला राज़िक है और उसकी सिफत अर-रज़्ज़ाक भी है, यानी बहुत ज्यादा रिस्क देने वाला. उसने आसमान और जमीन की तखलीक के वक्त ही जमीन के अंदर मईशत और रिस्क के वो सारे सामान रख दिए थे जिसकी जमीन वालों को जरूरत थी. यानी जब अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया तो सिर्फ इस प्लेनेट को नहीं पैदा किया, बल्कि इसके अंदर असबाब रिस्क भी पैदा कर दिए. और जितनी भी मखलूकात पैदा की जो अनगिनत है, हम गिन नहीं सकते. यानी इंसान तो इंसान, इंसानों के अलावा जिन्नात, फिर हैवानात, चिरिंद, परिंद, दरिंदे, चींटियां, कीड़े मकौड़े, समुन्द्र की मखलूकात जो अनगिनत है, जिनकी सिर्फ अकसाम ही अनगिनत है. तो सिर्फ इनको पैदा नहीं किया, बल्कि इन सब के रिस्क की जो जरूरियात थी वो भी जमीन के अंदर रख दी. और फिर आप देखिए कब से ये जमीन बनी है और कब से इस पर हैवानात मौजूद है और वो हर रोज खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी जरूरियात पूरी कर रहे हैं. सुभान अल्लाह. यानी इंसान सोचे और अगर इंसान इसको शुमार करना चाहे, गिनना चाहे, तो आप गिन नहीं सकते. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हर रोज कितनी मखलूक क्या कुछ नहीं खा जाती. और फिर अगले रोज फिर, और फिर दिन में सिर्फ एक बार नहीं, इंसान तो हैवानों से भी ज्यादा कई कई बार खाते हैं. और अल्लाह ताला दे रहा है और दे रहा है और दे रहा है. हजारों साल से ही सिलसिला चल रहा है और वो सारे असबाब मईशत जमीन के अंदर हैं. यानी ऐसा नहीं कि वो कुछ खा लिए तो फिर खत्म हो गए. जैसे आप अपनी फ्रिज में से कुछ निकाल लें तो फिर दोबारा तो वो नहीं मिलेगा जो आपने निकाल लिया. लेकिन अल्लाह की जमीन के अंदर जो कुछ है वो आप निकालते जा रहे हैं और फिर अल्लाह ताला दोबारा उनमें से पैदा करता चला जा रहा है. यानी एक ट्री जो आज हमें नजर आता है, मालूम नहीं इसके पीछे कितनी ही चेन है ट्रीज की, कि जिनका ये बच्चा है जो आज हमें नजर आ रहा है. तो ये अल्लाह सुभान व तआला ही की कुदरत है और उसकी ताकत है और उसकी प्लानिंग है. इसीलिए हम जब रब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या कहते हैं? खालिक, पैदा उसने किया, मालिक भी वही, मुदब्बिर भी वही, राजिक भी वही. यानी रब के अंदर राजिक का लफ्ज भी आता है, यानी अल्लाह ताला की सिफत रिस्क भी आती है. उसने सिर्फ पैदा नहीं किया, सिर्फ वो मालिक ही नहीं इन चीजों का, बल्कि इनकी प्लानिंग भी करता, मुदब्बिर है. और फिर उसके साथ साथ उसने इन सब के रिस्क का भी एहतमाम किया. और रिस्क तो एक चीज है, और भी तमाम जरूरियात का एहतमाम किया है. सूरत हूद में आता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाह रिस्कुहा. जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं मगर उसका रिस्क अल्लाह ही के जिम्मे है. वो परिंदों को उनके घोंसलों में, दरिंदों को उनकी घात में, मछलियों को समुन्द्र की तह में, चींटियों को उनके बिलों में रिस्क फराहम कर रहा है.
और रिज्क का मालिक भी सिर्फ वो ही है। सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ उसके इख्तियार में है। वो जिसके लिए चाहता है रिज्क कुशादा कर देता है, और जिसको चाहता है नपा तुला देता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। इन्नल्लाहा यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब। लेकिन बंदों के लिए हुक्म क्या है कि वो निकलें, रिस्क की तलाश करें, अल्लाह से रिस्क तलब करें। फब्तगु इंदल्लाहि रिज़्क वअबुदूहु। सो तुम अल्लाह ही के यहां रिस्क तलाश करो और उसी की इबादत करो। हैवानात रिस्क की तलाश में निकलते हैं, परिंदे अपने घोंसलों से निकलते हैं, चींटियां बिलों से निकलती हैं, और इसी तरह बाकी मखलूकात भी अपने रिस्क की तलाश में सारा दिन मारे मारे फिरती है, और फिर रात को यानी सुबह खाली पेट निकलते हैं अपने घोंसलों से परिंदे, और रात को पेट भरे वापस लौटते हैं। लेकिन उस पेट भरने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है और कोशिश और भाग दौड़ करनी पड़ती है, जो वो सारे कर रहे होते हैं। तो इंसान के लिए भी लाजिम क्या है कि अल्लाह को अर-राज़िक समझते हुए उसके साथ साथ कोशिश करे, मेहनत करे, भाग दौड़ करे, और फिर उसके बाद उसकी इबादत के लिए भी वक्त निकाले। परिंदों की तो तस्बीह काफी है, लेकिन इंसान को इबादत के मुख्तलिफ तरीके सिखाए गए हैं। इस सिलसिले में आज की दुआ सूरत अल-माईदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए अल्लाह, ए हमारे रब, तू हम पर आसमान से एक खान उतार जो हमारे पहलों और पिछलों के लिए ईद हो, जो हमारे पहलों और पिछलों के लिए ईद हो जाए, और तेरी तरफ से एक निशानी हो, और हमें रिस्क अता फरमा, और तू सबसे बेहतरीन राज़िक है। इस आयत में ईसा अलैहि सलाम के जमाने में एक खास वाक़े की तरफ इशारा है। ईसा अलैहि सलाम ने जब लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया तो हवारियों ने उस पर लब्बैक कहा, आप पर ईमान लाए, और ईमान में मजीद इत्मीनान के लिए ईसा अलैहि सलाम से कहा कि क्या आपका रब ये कर सकता है, उसमें ये कुदरत है कि हम पर आसमान से तैयार शुदा खाना उतारे। यानी वैसे तो अल्लाह ताला जमीन से रिस्क दे ही रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो आसमान से हमारे लिए खाने के लिए रेडी टू ईट हमारे लिए खान उतारे, यानी पूरा दस्तरखान नीचे आए। तो ईसा अलैहि सलाम ने उन्हें इस मुतालबे से रोका और अल्लाह से डराया, क्योंकि ये एक तरह का मुजजा था, और मुजजा तलब करने के बाद अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की बात नहीं मानता तो फिर उसकी सजा बहुत सख्त है। लेकिन उन्होंने हवारियों ने अपने मुतालबे की तीन वजूहात बताई कि हम क्यों चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो। एक ये कि हम फिक्र माश से आजाद होकर यकसू होकर अल्लाह की इबादत करें। दूसरे ये कि हमें यकीन हासिल हो जाए कि आप जो कुछ हमें कह रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है वो बिल्कुल सच है, हकीकत है, और अल्लाह वाकई हर चीज पर कुदरत रखता है। और तीसरे ये कि जब वो दस्तरखान नाजिल हो तो फिर हम सब खुश हो जाएं। जाहिर है कि अल्लाह की तरफ से जो खाना आएगा तो उसका तो फिर क्या ही लुत्फ होगा और क्या ही उसका हिसाब होगा, तो हम उस दिन को फिर खुशी का दिन बना लें, हमारी ईद का दिन बन जाए, और फिर हम आइंदा भी उस दिन को याद रखते हुए हर साल ईद मनाया करें। जब उनका ये मुतालबा सुना तो ईसा अलैहि सलाम ने निहायत आजजी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, लोगों का ये मुतालबा अल्लाह ताला के सामने पेश कर दिया, और अल्लाह ताला से दुआ की कि लोगों को गैब से रिस्क अता फरमाए जो इनके अगलों और पिछलों के लिए एक यादगार खुशी का दिन बन जाए, और ये ऐसा मुजजा हो कि लोग अपनी आंखों से देख लें कि किस तरह आसमान से उतरा, यानी वो जमीन के रिस्क से फिर मुख्तलिफ चीज हो, क्योंकि जमीन का रिस्क तो सब अपनी आंखों से देखते हैं, जो कुछ जमीन पैदा करती है और जो समुन्दर से और मुख्तलिफ सोर्सेस से हमें रिस्क हासिल होता है, लेकिन ये जो आसमान का रिस्क है ऑब्वियसली ये जमीन के रिस्क से मुख्तलिफ होगा, तो इससे हमारा ईमान बढ़ जाएगा। तो ईसा अलैहि सलाम ने अर्ज की, قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا। आप देखिए दुआओं में या अल्लाहुम्म आता है या रब्बना आता है। यहाँ ईसा अलैहि सलाम ने दोनों सीगे इस्तेमाल किए हैं, اللهم ربنا, यानी हवारियों का मुतालबा कबूल करके अल्लाह सुभान व तआला से निहायत आजजी के साथ दुआ की कि ए अल्लाह, اللهم ए अल्लाह, रब्बना जो हमारा पालने वाला है, जो हमारा रब है। और इससे ये भी जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को ना अल्लाह समझते थे
ना अल्लाह का बेटा और ना ही रब समझते थे, बल्कि वो अल्लाह सुभान व तआला को या अल्लाहुम्मा, यानी अल्लाहुम्मा का मतलब होता है या अल्लाह और या रब कह के पुकार रहे थे। तो इससे क्या जाहिर होता है कि वो खुद रब नहीं थे और ना ही वो इसके कायल थे और ना ही वो किसी चीज में अपना कोई इख्तियार समझते थे। और फिर ये भी देखिए कि हवारियों ने ईसा अलैहि सलाम से ये क्यों कहा कि आप दुआ करें, अगर वो उन्हीं को रब मानते होते तो उन्हीं से मांग लेते। तो उनसे जब उन्होंने ये कहा तो इससे ये पता चलता है कि ईसा अलैहि सलाम के मानने वालों के जहन में कहीं दूर पार भी ये ख्याल नहीं था कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह का कोई हिस्सा है नऊज़ बिल्लाह, या कोई बेटे हैं, या किसी भी तरह उलूहियत का कोई मकाम रखते हैं। वो उनको एक नबी के तौर पर ही समझते थे। तो उन्होंने अल्लाह सुभान व तआला ही की रुबूबियत का इस बात किया या उस पर ईमान लाए। फिर कहा कि तकूनु लना ईदन लि अव्वलिना व आखिरिना। ईद का लफ्ज आद यऊद से है, लौट कर आना, यानी वो खुशी जो बार बार आए, हर साल पलट कर आए। ये सालाना भी हो सकती है और हफ्तावार भी। मुसलमानों की दो ईदें सालाना हैं और एक हफ्तावार है। इसके अलावा कोई और ईद साबित नहीं है, जो हमने खुद से बना ली ईदें वो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। तो हम सालाना ईद तो अच्छी तरह मनाते हैं, लेकिन अफसोस ये कि जुमे का एहतमाम कम से कम होता जा रहा है। जुमे के दिन भी गुसल करना चाहिए, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, तैयार होना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए। यानी जुमे का दिन आम दिनों की तरह नहीं होना चाहिए, यानी वो दिन हमारे लिए खास दिन है, उसे खास दिन समझकर ही उसमें सारे काम करें, चाहे वो इबादत के हों या जो दूसरे काम हों। और फिर आप देखिए कि उन्होंने कहा कि वो दिन हमारे लिए ईद का हो, ले अव्वलिना व आखिरिना, हमारी पहली फर्स्ट जनरेशन यानी जो हमारे दौर के लोग हैं, व आखिरिना और जो हमारे बाद में आएंगे, वह आयतम मिन का और तेरी तरफ से एक निशानी भी हो, तेरी कुदरत की अलामत हो, यानी ईसा अलैहि सलाम की सच्चाई की अलामत हो कि ये वाकई अल्लाह के रसूल हैं और उन्होंने जो कहा वो सच कहा। और फिर वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन दुआ भी की, और ये रिज़्क़ के हुसूल की दुआ भी है, यानी इतना हिस्सा अगर इंसान पढ़ता है, वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन, तू हमें अता कर, हमें रिस्क दे और तू सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है। और यहाँ पर हमें किसी मशक्कत के बगैर अपने पास से रिस्क अता फरमा। अब आप देखिए कि अल्लाह सुभान व तआला बेहतरीन राजिक है, यानी किस एतबार से कि जो उसकी तरफ से रिस्क आता है वो अपनी कैफियत के एतबार से और कमियत के एतबार से बेहतरीन होता है, यानी सबसे अफजल होता है। और इंसानों ने उसकी जो शक्लें बना ली हैं, प्रोसेस कर लिया उसको, तो वो अपनी कैफियत के एतबार से बेहतरीन नहीं रहा, क्योंकि इंसानों के लिए उस तरह फायदा मंद नहीं। आपने देखा होगा कि जो चीजें नेचुरली उगती हैं, ग्रो करती हैं, और जो फ्रेश फूड आप सी से लेते हैं, सी फूड होती है या कुछ, या हम बाकी गजाओं के मुकाबले में ज्यादा सेहतमंद गजाएं होती है, खैर और राज़िक। और दूसरा यह है कि इसलिए भी खैर राज़िकीन कहा गया अल्लाह ताला को कि लोग अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी भी करें तो भी वो उनको अपना रिस्क देता है, वो कुफर भी करें, उसका इनकार भी करें, उससे नाराज भी हो, फिर भी रिस्क देता है। लेकिन बंदों में से जो किसी को रिस्क देते हैं वो ऐसा नहीं करते, हत्ता के माँ बाप भी अगर देखते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते तो उनसे किनारा कश हो जाते हैं। आप जहां जॉब करते हैं, जॉब नहीं करें तो आपको कोई सैलरी नहीं देगा, इंसानों का मामला ये होता है। लेकिन अल्लाह सुभान व तआला, आप इबादत करें या ना, आप नमाज पढ़ें या ना, आप रोजा रखें या ना, वो आपको खाने को देता रहेगा। तो इस दुआ से ये पता चलता है कि इंसान को, इंसान जब दुआ करे तो बहुत आजजी के साथ दुआ करे और अल्लाह ताला को उसके बेहतरीन नामों के साथ पुकारे। अल्लाहुम्मा रब्बना, ये दोनों नाम इकट्ठे भी कर सकते हैं और इसके अलावा भी या रज़्ज़ाक, या फताह। और फिर ये कि इंतहाई आजजी और इंकिसारी रवैये में भी होनी चाहिए कि अल्लाह हम मोहताज हैं, तू देने वाला है,
और फिर अल्लाह ताला से बेहतरीन रिस्क मांगना चाहिए। यानी तू बेहतरीन रिस्क देने वाला, अल्लाह ताला की सिफत को बयान किया जा रहा है, यानी हमें भी एक तरह से इनडायरेक्टली क्या कहा जा रहा है कि हमें भी बेहतरीन रिस्क अता फरमा। रिस्क क्या चीज है, यानी रिस्क का इतलाक किस किस चीज पर होता है? इब्न मंजूर लिसानुल अरब में कहते हैं, रिस्क से मुराद हर वो चीज है जिसके साथ हर जिंदा मखलूक की जिंदगी कायम होती है, यानी जिस पर जिंदगी का इन्हिसार होता है, खा वो चीज मानवी हो या मादी हो। तो मानवी से मुराद यानी जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम जानते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन हम उस यानी इनटेंजिबल जिसको आप कह सकते हैं। तो रिस्क दोनों तरह होता है, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी। इसी तरह बाज ने ये कहा कि हर नेमत ही एक तरह से रिस्क है, यानी जितनी भी नेमतें हमें मिली हैं वो सारी रिस्क हैं। यानी सिर्फ माल ही रिस्क नहीं है, बल्कि रिस्क का एक वसी दरवाजा है। हर वो चीज जो अल्लाह ताला बंदों पर नेमतों की सूरत में इनाम फरमाता है, जैसे माल, औलाद, हस्बैंड, अहलो अयाल, माँ बाप, फिर इसी तरह सेहत, मोहब्बत, कबूलियत, ये सारी चीजें रिस्क कहलाती हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से तकदीर में मुकर्रर कर दी गई हैं। यानी अल्लाह ताला ने हर बंदे का रिस्क मुकर्रर कर रखा है कि इसको कितना देना है। तो इंसान के लिए फिर क्या लाजिम है कि अल्लाह जब दे तो फिर इंसान शुक्र अदा करे। जैसे मैं ऊपर मैंने जिक्र किया कि हिस्सी और मानवी दोनों एतबार से जो नेमते हमें मिली है वो रिस्क है, तो मोहब्बत भी एक रिस्क है, मोहब्बत भी एक रिस्क है। ठीक है, हजरत आयशा कहती हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज में से किसी पर रश्क नहीं किया सिवाय खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के, और मैंने हजरत खदीजा को नहीं देखा, यानी उनको जमाना नहीं पाया। वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरी जबा करते तो आप फरमाते कि इसका गोश्त खदीजा की सहेलियों को भेज दो। वो कहती है कि एक दिन मैं गुस्से में आ गई, मैंने कहा आप हर वक्त खदीजा खदीजा करते हैं और उसकी सहेलियों तक का ख्याल रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी कद रुज़िक्तु हुब्बहा, मुझे खदीजा की मोहब्बत अता की गई है, यानी अल्लाह ने मेरे दिल में उसकी मोहब्बत डाली। इंसान किसी को मरने के बाद सिर्फ मोहब्बत की वजह से याद रख सकता है कि जिसके साथ आपका कोई कल्बी ताल्लुक हो, और ये भी अल्लाह दिलों में डालता है। कुरान मजीद में आता है, इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत डाल देगा। आप किसी से जबरदस्ती मोहब्बत नहीं करा सकते, आप किसी के आगे रो पीट के, उसके साथ गुस्सा करके, उसकी मिन्नतें करके, या उसको माल दे के, या उसके साथ उसकी खुशामद करके आप उससे कहें आप मुझे मोहब्बत दें, आप मुझसे मोहब्बत करें, कभी भी नहीं कोई करेगा जब तक अल्लाह दिलों में मोहब्बत न डाले। और अगर आपके लिए अल्लाह ने किसी के दिल में मोहब्बत डाल दी है तो ये अल्लाह, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये अल्लाह ने रिस्क दिया है मुझे, क्योंकि मोहब्बत कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लौ अनफक्त मा फिल अर्द जमीअन मा अल्लफ्त बैन कुलूबिहिम, अगर जमीन में जो कुछ है सारे के सारा भी आप खर्च कर दे लोगों को, आप उनके दिलों में मोहब्बत नहीं डाल सकते। यानी ना ये माल से खरीदी जा सकती है और ना ही ये किसी मुतालबे से खरीदी जा सकती है और ना ही ये एहसान जता के और किसी को जलील करके या किसी को किसी तरह मजबूर करके मोहब्बत ली जा सकती है। ये अल्लाह की देन होती है और जिसको अल्लाह दे वही मोहब्बत हासिल करता है, और इसके पीछे भागना नहीं चाहिए। भागना चाहिए अल्लाह की रजा के कामों में, अल्लाह सुभान व तआला, और ना इस बात की फिक्र करनी चाहिए मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती है कि नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों को सारी जिंदगी यही यकीन नहीं आता कि माँ मोहब्बत करती, शौहर मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं, सारी जिंदगी शक में पड़ी रहती है, हत्ता के बीमार पड़ जाती है बाज़ ख़वातीन। रिसेंटली किसी के बारे में जो पता चला कि उनका दिमाग चल गया सिर्फ इस बात पे, यानी कि
हस्बैंड मुझसे वो मोहब्बत नहीं करता जो मुझे चाहिए, और इसकी वजह से मिजरी। दुनिया की हर नेमत है उसके पास, लेकिन अब वो एक तरह से ज़हनी मरीज बन गई खातून। और बहुत सी औरतें, वो तो खैर एक सीवियर केस हो गया ना, लेकिन उससे निचले दर्जे पर किसी ना किसी डिग्री, किसी ना किसी लेवल पर हर शख्स को ये शिकवा रहता है, और इससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इंसान इससे अपनी सलाहियत खो देता है। इंसान की प्रोडक्टिविटी मारी जाती है जब इंसान लोगों की मोहब्बत का या तो दीवाना होता है, और या वो उसका फकीर बन जाता है, या उसको ये परेशानी लग जाती है कि कोई मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता, क्योंकि इससे इंसान को हासिल कुछ नहीं होता इस परेशानी से। और फिर आप देखिए कि बाज़ुकात ख़वातीन का मसला ये भी होता है कि उनके ऊपर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पीरियड्स का मसला है, बच्चों की विलादत का मसला है, और कई तरह की परेशानियां, बच्चों को दूध पिला रही है, कितनी फिजिकल कंडीशंस कितनी बदलती जाती हैं, जिसकी वजह से अमूमन वो ज्यादा अटेंशन सीकर्स होती हैं। तो ये जो अटेंशन सीकिंग है, ये भी एक बीमारी है, यानी इसमें भी आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दिया हुआ। वो आपको अटेंशन दे तो आप खुश, आपके अपने पास कोई चीज नहीं कि जिससे आप खुश हो सके। भाई आपके अपने पास कोई चीज होनी चाहिए, आप इंडिपेंडेंट हो, क्यों किसी की गुलामी में पड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट हो आप अपने चाय के कप को एंजॉय करें, आप अपने बुक रीडिंग को एंजॉय करें, आप अपने घर के काम को एंजॉय करें, आप मुख्तलिफ चीजों के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करके वहां से आप खुशी हासिल करें। अपनी खुशियां अपने बच्चों के अंदर मत डाल दें कि बच्चे सामने होंगे तो मैं खुश होंगी और बच्चे नहीं तो मैं खुशी नहीं। आप अपनी खुशियां मालो दौलत में नहीं डालें कि मेरे पास ढेर माल आएगा हर महीने तो फिर ही मैं खुश होंगी, और अगर किसी महीने के ऊपर नीचे हो गया तो मेरी सारी खुशी चली गई। चीजों के अंदर, इंसानों के अंदर खुशियां नहीं ढूंढें। और सबसे बड़ी खुशी तो खुद अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह अल्लाह की याद में है, अल्लाह की इबादत में है, अल्लाह सुभान व तआला के दीन में है, उस दीन के इल्म हासिल करने में है, उस इल्म को सिखाने में है, उसके रास्ते में निकलने को है। क्या आपने किसी हदीस में सहाबा कराम के में से किसी के बारे में ये पढ़ा था कि वो ज़हनी मरीज हो गए थे? कोई मेंटल इलनेस थी वहां? कोई इमोशनल इम्बैलेंसेस थे वहां? कोई इन बातों पर लड़ाइयां थी आपस में वहां? हरगिज नहीं, क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रांग थे। मैं जानती हूं, मैं खुद एक औरत हूं, औरत इमोशनली वीक होती है मर्द के मुकाबले में, लेकिन इसको अपनी वीकनेस ना बनने दें। कॉन्फिडेंट हो, स्ट्रांग हो, अपने लिए जिंदगी में खुद चीजें तलाश करें कि जिससे, जिस काम के लिए अल्लाह ने आपको बनाया, आपकी जिंदगी में वो क्या मकसद होना चाहिए, वो कौन सा काम ऐसा है कि जिसको करके आपको खुशी मिलती, उसको पकड़ लें। अगर वो जायज है और अल्लाह की हदूद के अंदर है और अल्लाह ताला की नाराजगी का नहीं, वो क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान, यानी मैं आपके लिए सजेस्ट नहीं कर सकती, हर इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया, और हर इंसान की, किसी की जहनी जरूरियात और तरह की होती है, किसी की और तरह सोच होती है, कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, कोई शायरी में बहुत अच्छा है, कोई लिटरेचर में बहुत अच्छा है, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में। आप देखें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अल्लाह ने आपको क्या दे के भेजा है, तो उस चीज को तलाश करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें, अपने आप को स्ट्रांग करें, और अपनी जिंदगी को बेहतरीन कामों में इस्तेमाल करें, क्योंकि इस पर इंतजार है आखिरत के दर्जे का। आज जाया कर दिया ना अपना वक्त और अपनी सलाहियत और अपनी जिंदगी, क्योंकि बाज लोग तो फिर बीमार पड़ के कुछ करने के काबिल नहीं रहते, और बाज लोग तो फिर ना किसी इबादत के लायक और अपने आप को भी नहीं संभाल सकते, फिर वो जिंदगी क्या जिंदगी है। फिर ऐसा इंसान, यानी आप देखें कि एक शख्स जो ज़हनी मरीज बन जाए, अल्लाह ताला हर एक को बचाए इससे, उसकी कोई जिंदगी जिंदगी है? वो कुछ भी करने के काबिल नहीं, वो क्या जिंदगी जीता है? इसीलिए हमें दुआ सिखाई गई कि अल्लाह हमें अर्जल उम्र से बचा, यानी बुढ़ापे में भी जाके हमारा दिमाग ना खराब हो, क्योंकि जब लोगों की उम्र ज्यादा हो जाती है, हाफजा खत्म हो जाता है, कुछ लोग अल्जाइमर के मरीज हो जाते हैं, कोई डेमेंशिया हो जाता है, वक्त एजिंग के साथ साथ होता है। लेकिन कुछ लोग आप देखें माशाल्लाह, कल किसी ने मुझे किसी आलिम की पिक्चर भेजी कि ये पिछले 51 ईयर से इस मस्जिद में, एक सेम मस्जिद,
हर साल पूरा कुरान सुना रहे हैं, और उस पिक्चर में भी वो तरावी पढ़ा रहे थे कि इस साल भी वो 81 इयर्स के हैं और पूरा कुरान सुनाएंगे। वो भी तो इंसान है, उनको अल्लाह ने इतना स्ट्रांग हाफसा क्यों दिया, इस कुरान की बरकत कि जब आपने एक सोच लिया कि मैंने साल के आखिर में ये काम करना, तो आप पूरा साल तैयारी करेंगे ना। तो मैं सोच रही थी कि कहां वो कहां हम, हर साल कुरान सुनाना हाफजे से और इतना रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ एक काम करते चले जाना करते चले जाना, ये है ना काबिले रश्क जिंदगियां। ये थोड़ी है कि आज रो रहे हैं, कल सो रहे हैं, परसों कुछ कर रहे हैं, तरसों कुछ कर रहे हैं, ना इधर के ना उधर के, ना दुनिया के ना आखरत के। ये तो अपने आप को जाया करना है। तो हम में से हर शख्स ये देखे, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर शख्स देखे उसने अपनी कल के लिए क्या तैयारी की, दुनिया के कल के लिए भी और आखरत के कल के लिए भी, उसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि हर इंसान को वही मिलेगा जो वो कर रहा है। तो रिस्क की कई किस्में हैं, और फिर जब हम रिस्क मांगे और जिस चीज की कमी हमें महसूस हो वो अल्लाह से मांग रहे, बंदों के पीछे ना जाएं, बंदों के आगे हाथ ना फैलाएं। जैसे बंदे के आगे हाथ फैला के रोटी मांगना मना है ना, या इंसान को जलील करता है, ऐसे किसी के आगे हाथ फैला के मोहब्बत मांगना या और कोई चीज दुनिया की मांगना जो है वो इंसान की कदर को घटा देता है, इंसान की वैल्यू कम हो जाती है। लिहाजा अल्लाह से ये रिस्क मांगे। इल्म भी रिस्क होता है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये रिस्क भी अल्लाह से मांगे। तो अल्लाह ताला अपने बंदों का रिस्क दो तरह का देता है, एक आम रिस्क है जिससे हर नेक और फाजिर फायदा उठाता है, इसमें इंसान हैवान जिन सब शामिल, सबको खाने को देता है, सबको बुनियादी बेसिक नीड सबकी पूरी हो रही, और ये जिस्मानी रिस्क है, और ये अल्लाह ने तकसीम किया और हर एक को जिंदा रखने के लिए अल्लाह ने जिम्मा लिया हुआ है, क्योंकि जिंदगी का इन्हिसार इस पर है, जिंदगी इस पर डिपेंड करती है कि ये रिस्क आपके पास हो। दूसरा है खास रिस्क, यानी रिस्क की दूसरी किस्म खास है, ये अल्लाह ताला अपने अंबिया और अपने रसूलों के हाथ पर अपने बंदों में से जिसे चाहता है ये रिस्क अता करता है, और ये ईमान और तौहीद का रिस्क है, वो अपने रसूलों के जरिए जिसे चाहता है देता है। ये अल्लाह ताला सिर्फ उसको अता करता है जो इसका हकदार है, जो इसका तलबगार है, जो इस पे शुक्र गुजार है, क्योंकि अगर आप इसकी परवाह नहीं करते कि आप हिदायत के रस्ते पे या गुमराही पे, तो अल्लाह को भी परवाह नहीं। तो जो इसको डिजर्व करता है और जो इस पे फिर शुक्र अदा करता है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदानी लिहाजा, अल्लाह ने मुझे नेमत इस्लाम दी, मैं शुक्र गुजार हूं इस पर। तो अल्लाह ताला तो बड़े फजल वाला है, बहुत ज्यादा एहसान करने वाला है, और जैसे दुनियावी रिस्क के लिए असबाब इख्तियार करने पड़ते हैं, ऐसे ही इस रिस्क के लिए, ईमान और हिदायत के रिस्क के लिए भी असबाब इख्तियार करने पड़ते हैं, आपको कोशिश करना पड़ती है, आपको निकलना पड़ता है कि आपको ये रिस्क भी मिले। यानी ये नहीं कि दुनिया के रिस्क के लिए तो हम कोशिश करें और जब दीन का रिस्क लेना हो तो हम कहें अल्लाह अल्लाह तू बस हिदायत दे दे, हम घर में बैठे, ऐसे नहीं, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती। और हमारी इस्लामी तारीख, इस्लामिक हिस्ट्री हमारे सामने है कि किस तरह उलमा ने एक एक हदीस के लिए महीनों का सफर किया, एक हदीस जानने के लिए, और अपनी जिंदगियां खपा दी, पैदल भी चले और सवारियों पर भी, और लुटे भी और पिटे भी, और गर्मी और सर्दी बर्दाश्त की, और हर तरह की तकलीफ उठाई इस इल्म को हासिल करने के लिए। उसके मुकाबले में हमने तो कुछ भी एफर्ट नहीं लगाई, कोई कुर्बानी नहीं दी। तो ईमान में इजाफे के लिए भी आपको घर निकलना पड़ता है, कुछ काम करने पड़ते हैं, उसके लिए भी इज्तिमाइयत चाहिए होती है, इल्म में इजाफे के लिए भी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी कदर इज्जत और मोहब्बत में इजाफा, तो उसके लिए भी आपको कुर्बानियां देनी पड़ती, उसके लिए आपको बंदों की खिदमत करनी पड़ती। इज्जत लेना चाहते हैं इज्जत देनी पड़ती है, मोहब्बत लेना चाहते हैं मोहब्बत देनी पड़ती है। यानी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने एक उसूल बनाया है, गिव एंड टेक, पहले गिव, देने वाले बनो जब आपको मिलेगा, ये इंसानी कोशिशों की तरफ
इंसानी कोशिशों का हिस्सा है और बाकी उसके साथ साथ दुआ और अल्लाह पर अच्छी उम्मीद। और याद रखिए, सबसे बेहतरीन रिस्क तो जन्नत है, सबसे बेहतरीन नेमत जन्नत है, जो सबसे मुकम्मल, सबसे अफजल, सबसे मुअज्जज, सबसे बुलंद, सबसे ज्यादा कायम रहने वाला ऐसा रिस्क जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसकी राहतें और लज्जतें और नेमतें कभी भी खत्म ना होंगी। और ये रिस्क मोमिनों के साथ खास है, ये सिर्फ ईमान वालों के लिए है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार खालिदीन फीहा अबदा कद अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़ा। और जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे, वो उसे ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, उनमें वो हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा हमेशा बिला शुबा अल्लाह ने उसके लिए अच्छा रिस्क बनाया है। पर ये बात याद रखिए कि रिस्क का मालिक भी सिर्फ अल्लाह है, रिस्क की कुंजियां बस उसके पास है। कुरान मजीद में आता है, या अय्युहन नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यरज़ुकुकुम मिनस्समाई वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा फअन्ना तुफकून। लोगो, अपने आप पर अल्लाह के एहसान को याद रखो, क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक भी है जो तुम्हें आसमानों और जमीन से रिस्क दे, कोई और भी है? नो, याद रखो उसके सिवा कोई इलाह नहीं, फिर तुम कहां से धोखा खा जाते हो। फिर इसी तरह रिस्क में जो कमी बेशी होती है, अप एंड डाउन होता है, मसलन कोई वक्त होता है आपके पास बहुत होता है, फिर एक वक्त होता है कि वो सुकड़ने लगता है, कम होने लगता है, एक वक्त होता है आप अपनी जवानी की पीक पर होते हैं, खूब मेहनत काम करते हैं, बहुत कुछ होता है, फिर आहिस्ता 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 कम होता जाता है, फिर आप रिटायर हो जाते हैं, फिर आप बूढ़े हो जाते हैं, फिर आप दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। ये जिंदगी में आमतौर पर ऊपर जाना नीचे आना ये सब देखते ही हैं, जिंदगी के अप्स एंड डाउन जिनको कहते हैं आप। लेकिन बात यह है कि आम दिनों में भी रिस्क, चाहे जिस्मानी रिस्क हो, माल की शक्ल में हो या मोहब्बत हो, इसमें अप्स एंड डाउन होते हैं, रिलेशन में भी अप्स एंड डाउन होते हैं। यानी इंसानों के साथ जो मोहब्बत होती है हर वक्त एक जैसी नहीं हो सकती, हर वक्त पीक पर नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमारे लिए जज्बात बनाए, बड़े खूबसूरत हैं ये जज्बात, लेकिन हर वक्त जज्बात में रहना नुकसानदेह है, हर वक्त जज्बाती जिंदगी गुजारना नुकसानदेह है। फिर इसी तरह कुरान मजीद में आता है, अल्लाह यबसुतुर रिज़्क लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह रिस्क फराख कर देता है जिसके लिए चाहता है और तंग करता है। وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, और वो दुनिया की जिंदगी पे खुश हो गए। وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ, हालांकि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में थोड़े सामान के सिवा कुछ नहीं। क्या अल्लाह ताला के पास कमी हो जाती कि वो हमारा रिस्क तंग कर देता? नहीं, ऐसा नहीं है। लहू مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, उसी के पास आसमान और जमीन की कुंजियां हैं। फिर उसकी अपनी हिकमत है, उसकी तकसीम है, जिसके लिए चाहता फैला देता, वो यक़दर और तंग कर देता, वो जानता है, फैला देता है, देखता है, आजमाता है कितना शुक्र अदा करता है। लियब्लुअनी अशकुरु अम अकफुर, अल्लाह ने मुझे ये सब कुछ दिया कि मुझे आजमा रहा है, मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। और फिर तंग कर देता है, फिर सब्र करता है या वावैला करता है या हराम तरीके इख्तियार करने लगता है, वो भी आजमाइश हो जाती है। बहरहाल उसके पास तो खजाने हैं, वलिल्लाहि खजाइनु समावाति वल अर्द, अल्लाह के पास आसमान और जमीन के खजाने हैं, और उनमें से वो जिसको चाहे खूब नवाज सकता है और जितना चाहे दे, उसके खजानों में कोई कमी नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का दायां हाथ भरा हुआ और दिन रात की फयाजी से उसमें कोई कमी वाकई नहीं होती। क्या तुम देखते नहीं कि जब से उसने आसमान और जमीन पैदा किए तब से उसने कितनी फयाजी की है, देरा देरा देरा, लेकिन उसके दाएं हाथ में जो कुछ है उसमें कोई कमी वाकई नहीं हुई। यानी अता करने से उसके खजानों में कमी नहीं आती। तो जब हम दुआ करें ना, तो ये मैं आपको नॉलेज क्यों दे रही हूँ, ताकि जब आप अल्लाह से रिस्क मांगे तो आपके अल्लाह ताला आपके पास तो ढेरों खजाने, और देने से कमी भी नहीं होती,
एक तो ना कि आप किसी से मांगते हो, कहते भाई नहीं मैं नहीं दे सकता, मेरे तो अपने लिए काफी नहीं। इंसान इंसानों के साथ तो ऐसा मामला करते हैं क्योंकि उनके पास होता नहीं है, वो खुद मोहताज है। लेकिन अल्लाह तो मोहताज नहीं ना किसी का, वो तो बादशाह है और उसके पास तो खजाने हैं, और वो सिर्फ कौन कहेगा और आपके पास ढेर लग जाएंगे। तो ये यकीन रखते हुए कि अल्लाह सुभान व तआला के पास बहुत कुछ है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वलीन और आखिरीन और जिन्नो इंस एक साफ चटियल मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगे, सारे जमा हो जाओ सब मांगे, और मैं हर एक को जो वो मुझसे मांगे वो अता कर दूं, तो भी मेरे खजानों में कोई कमी वाके नहीं होती मगर इतनी जितनी समुन्द्र में सुई डालकर निकालने से पानी में कमी होती। अल्लाह सुभान व तआला के खजाने आसमानों में भी हैं और जमीन में भी हैं। वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तूअदून, और फिर जमीन पर भी बेशुमार रिसोर्सेज हैं। इंसान को चाहिए कि इंसान आगे बढ़े और कोशिश करे। हातिम अल-असम से पूछा गया, मैं नहीं ना ताकुल, तुम कहां से खाते हो? कहा मैंने इंदिल्ला, अल्लाह से, अल्लाह के पास से। कहा गया क्या अल्लाह ताला आसमान से तुम्हारे लिए दिनार और दिरहम नाजिल फरमाएंगे? उन्होंने कहा क्या अल्लाह सिर्फ आसमान में है, यानी उसके खजाने सिर्फ आसमान में, ये जमीन भी उसी की है और ये आसमान भी उसी का है। अगर वो मेरा रिस्क आसमान से ना देगा तो जमीन से चला कर मेरे पास ले आएगा, यानी वो कहीं से भी दे सकता है। सारी मखलूक को देखते, कमजोर से कमजोर तरीन छोटी से छोटी चीज को भी वो रिस्क देता है, हमें जिनका मुंह भी नजर नहीं आता वो उनकी भी जरूरियात पूरी करता है। और इब्ने कसीर कहते हैं कि ये मशहूर है कि कव्वे के बच्चे जब निकलते हैं तो उनके परों पर बाल सफेद होते हैं, ये देखकर उनको बच्चों से नफरत होती है और वो भाग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद परों की रंगत स्याह हो जाती है, फिर उनके माँ बाप वापस आते हैं और उन्हें दाना वगैरह खिलाते हैं। अल्लाह आलम इब्ने कसीर की तफसीर में है, किसी ने तजर्बा किया होगा। इब्तिदाई अय्याम में जबकि माँ बाप उन बच्चों से मुतनफ़िर होकर भाग जाते हैं और पास भी नहीं आता, अल्लाह ताला छोटे छोटे मच्छर उनके पास भेज देता है, वही उनकी किताब बन जाते हैं। कहाँ से वो देता है, यानी इतने छोटे, आप देखें कि अंडा ही कितना छोटा होता है और उसमें बच्चा कितना छोटा होता है, और किस तरह अल्लाह ताला उनको भेज देता है, जाओ उनकी जरूरत पूरी करो। तो जो इन मच्छरों को देता है, जो इन परिंदों को देता है, जिनके माँ बाप छोड़ जाते हैं या मर ही जाते हैं, वो हमें नहीं दे सकता, वो हमें जरूर दे सकता है, कभी मायूस ना हो। मायूसी कुफर है, क्योंकि लोगों के पास जब रिस्क तंग होता है, नहीं मिलता नहीं मिलता, तो फिर बाजू का तो मायूसी की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद रखें कि अल्लाह ने आज तक खिलाया, अल्लाह ने आज तक दिया, आगे भी वही देगा, और वो नाफरमानों को भी देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी थी कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके रहने वालों को फलों से रिस्क दे जो इनमें से अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए, तो उन्होंने क्या कहा था, जिसने कुफर किया उसे भी मैं थोड़ा सा फायदा दूंगा। अच्छा, दुनिया में जब हम देखते हैं ना कि नॉन बिलीवर्स के पास बहुत कुछ है, तो हम कहते हैं इनके पास इतना कुछ है, इनको इतना ज्यादा क्यों दिया? अल्लाह के नजदीक वो मच्छर के पर बराबर भी, वो कुछ भी नहीं है जो अल्लाह के पास उसके मुकाबले। तो एक तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये शख्स नमाज भी नहीं पढ़ता, ये रोजा नहीं रखता, ये फला नहीं करता, और इसको फिर भी अल्लाह ने इतना ज्यादा दिया। वो ज्यादा नहीं है, वो आपकी छोटी निगाहें उनको ज्यादा देख रही हैं। जो अल्लाह ने आपको इस इबादत के बदले में देना है अपने पास, वो तो कहीं ज्यादा है। उसके सामने तो ये सारी दुनिया का माल भी मच्छर के पर से ज्यादा नहीं है, बहुत ही हकीर है। तो दुनिया में अल्लाह ताला किसी को जो देता है वो बहुत थोड़ा है बनिस्बत उसके जो अल्लाह के पसंदीदा बंदों को आगे मिलने वाला है। शैतान भी अल्लाह ही से अपना रिस्क मांगता है। इब्लीस ने कहा मेरे रब, तूने अपनी सारी मखलूक का रिस्क वाजे कर दिया, मेरा रिस्क कहाँ है? अल्लाह ताला ने फरमाया हर वो चीज जिसपे मेरा नाम न लिया जाए वो बंदों के साथ शामिल हो जाता है। मोमिन बंदों को अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है, और ये उनके लिए बहुत एजाज की बात है। और आखिरत के रिस्क को रिस्क हसना कहा गया। वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाहि थुम्मा कुतिलू वमातू औ मातू लयर्ज़ुकन्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना वइन्नल्लाहा लहुवा खैरुर राज़िक़ीन।
और जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में वतन छोड़ा फिर कत्ल कर दिए गए या मर गए, यकीनन अल्लाह उन्हें जरूर रिस्क देगा, अच्छा रिस्क। दुनिया में रहे, हिजरत करके कहीं गए, वहां भी मिल जाएगा, और अगर मर के अल्लाह के पास चले गए, शहीद हो गए, तो जन्नत में भी रिस्क है उनके लिए। बेशक अल्लाह ही यकीनन सब रिस्क देने वालों से बेहतरीन है। रिस्क के मामले में बंदों की जिम्मेदारी क्या है? नंबर एक, अल्लाह पर भरोसा करें, तवक्कुल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कुल करो जिस तरह हक है, तो वो तुम्हें इस तरह से रोजी दे जैसे वो परिंदों को देता है, सुबह को वो भूखे उठते हैं और शाम को पेट भरे हुए आते हैं। अल्लाह सुभान व तआला तो माँ के पेट में भी रिस्क देता है जब माँ खुद भी नहीं खिला सकती बच्चे को, उसने वहां भी इंतजाम किया, पैदा होते ही उसके सीने में दूध उतार दिया, अल्लाह ने रिस्क का एहतमाम किया। और फिर जूं जूं इंसान बड़ा होता जाता है, जरूरियात मुख्तलिफ होती जाती, उसके मुताबिक उसको रिस्क मिलता चला जाता है। अबू ज़र गफारी कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब तबारक व तआला से रिवायत करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं, बस तुम मुझसे हिदायत मांगो, क्योंकि ये भी रिस्क है ना, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं, तुम मुझसे खाना मांगो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब बराहना हो सिवाय उसके जिसे मैं लिबास दूं, तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। यानी ये बेसिक नीड्स है इंसान की, जिनमें नंबर वन हिदायत है और फिर उसके बाद खाना और कपड़ा, ये इंसान की बेसिक नीड्स में से है। लिहाजा इन नीड्स के लिए भी इंसान को अल्लाह सुभान व तआला की तरफ रुजू करना चाहिए, और जब इंसान अल्लाह से मांग कर कोशिश करता है तो फिर उसको इत्मीनान भी हो जाता है जितना भी अल्लाह ताला देता है, और उस इत्मीनान को कनात कहते हैं कि इंसान अल्लाह के दिए पर राजी होता है, और इस कनात से इत्मीनान नसीब होता है फिर। यानी जब इंसान के अंदर कनात होती है कि जो अल्लाह ने मुझे दिया मैं राजी हूं उस पर, मैं खुश हूं जितना भी मेरे पास है, क्योंकि इंसान अपने से कम वालों को देखता है ना तो खुश होता है, और खुशी का मेयार भी यही है। इंसान अगर अपने से ऊपर वाले को देखेगा तो कभी खुश नहीं होगा। लेकिन मुश्किल यह है कि इंसान सब कुछ भी लेके खुश क्यों नहीं आज, क्योंकि इंसान सिर्फ जरूरत का नहीं चाहता, जरूरत पूरी हो जाती है तो राहत चाहता है कि मुझे सुख, यानी कि कंफर्टेबल लाइफ मिले। जब कंफर्टेबल लाइफ मिल जाती है तो फिर ऐशो इशरत चाहता है कि मुझे लग्जूरियस लाइफ मिले, लिहाजा उसकी तो फिर कोई हद ही नहीं है ना। तो इंसान कभी भी मुतमइन नहीं होता, कभी भी सुकून नहीं पाता। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह से मांगे, जो कुछ है उस पर राजी रहे, और फिर उसका दिल दौलतमंद हो। गिना वो नहीं है, दौलतमंदी वो नहीं है जो बैंक बैलेंस से या बहुत सारी सोने चांदी के ढेर से आप दौलतमंद होते हैं। असल दौलतमंद वो है जिसका दिल दौलतमंद है कि जो इस बात पे राजी है कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। यानी कसरत से दौलतमंदी नहीं होती, बल्कि उसके मुकाबले में कनात से दौलतमंदी होती है। हकीकत यह है कि दुनिया की जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं, या तो ये इंसान को अपने कंट्रोल में कर लेती है, या इंसान इनको अपने इस्तेमाल में ले आता है। जब जरूरत का होता है तो सब चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं, और जब ज्यादा हो जाता है तो वो इंसान के ऊपर बोझ बन जाता है कि उसको संभालो, रखो, करो, उसकी हिफाजत करो। वो उसी की पूजा में फिर लगा रहता है इंसान, और अपने आला मकसद जिंदगी को भूल जाता है कि वो दुनिया में सिर्फ माल असबाब इकट्ठा करके उसकी खिदमत करने नहीं आया, बल्कि वो अल्लाह की इबादत के लिए आया है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इंसान हिर्स से बचे, क्योंकि हिर्स का नुकसान है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो भूखे भेड़िए अगर बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाए तो इतना नुकसान नहीं देते जितना किसी इंसान का माल के लिए हरीस हो जाना, लालची हो जाना। और वो क्या होता है कि इंसान जो मिला है उस पर राजी नहीं, बस उससे ज्यादा हासिल करने की कोशिश में, और ज्यादा और ज्यादा, हत्ता के मर ही जाता है, दुनिया से ही चला जाता है इंसान, और अल्लाह के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता उसके पास, ना कोई इबादत, ना कोई खिदमत, ना कोई कुछ। तो इसलिए इंसान को हिर्स से और लालच से बचना चाहिए,
उसके अंदर गिना होना चाहिए, शुक्र गुजारी होनी चाहिए, और ये शुक्र गुजारी ही इंसान की सआदत की अलामत होती है। खुशकिस्मत तरीन इंसान वो है, कामयाब तरीन इंसान वो है कि जिसके पास जरूरत का है और वो उस पर राजी भी है। हदीस में आता है, उस शख्स ने फलाह पाई जिसने इताअत की और उसको बकदरे जरूरत रिस्क मिल गया, और अल्लाह ने उसको जो कुछ दिया उस पर उसको कनात की तौफीक मिल गई, वो खुश है उस पर जितना है उसके पास। तो गोया दुनिया में भी कामयाबी का राज ज्यादा होने में नहीं है कि ज्यादा हो, बल्कि कनात में है, क्योंकि चाहत की तो कोई हद ही नहीं ना। इंसान की चाहत तो लामतनाही है, अनलिमिटेड है, जितना उसको मिल जाएगा वो कहेगा इससे और हो, इससे और हो, इंसान का पेट तो कभी भरने वाला नहीं। इसलिए इंसान अपनी सारी कोशिशों का मरकज सिर्फ दुनिया कमाने में ना लगा दे, बल्कि अपनी आखिरत के लिए भी फिक्र करे, और सिर्फ जिस्मानी जिंदगी नहीं रूहानी जिंदगी भी गुजारे, अपनी रूह का हक भी अदा करे, इंसानों का हक भी देने वाला हो। मतलब जरूरत का सामान वो होता है कि जिसमें इंसान की कोई जरूरत अटके ना, यानी उसके पास इतना हो कि अपनी बेसिक सारी नीड्स जो है वो किसी की मदद के बगैर खुद पूरी कर सके, और उसके लिए इंसान मेहनत करे, कोशिश करे। तो बहरहाल रिस्क का मालिक अल्लाह है, और इंसानों के पास कुछ नहीं। अगर कोई ये समझता है कि कोई इंसान उसके रिस्क का मालिक और वो उसका रिस्क रोक देगा तो वो गलत फहमी का शिकार है। इसलिए इंसान को रिस्क के मामले में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, कोशिश और मेहनत करनी चाहिए, जो मिला है उस पर राजी होना चाहिए, मखलूक की तरफ नहीं देखना चाहिए कि उनके पास क्या है, वो मुझे क्यों नहीं मिलता, और हसद नहीं करना चाहिए किसी से, और जब मांगे तो पूरे यकीन के साथ मांगे। और जब इंसान अल्लाह का तकवा अख्तियार करता है तो अल्लाह उसको वहां से रिस्क देता है जहां से उसने सोचा भी नहीं होता। وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, वो उसे वहां से रिस्क देगा जहां से वो गुमान नहीं करता, जो अल्लाह पे भरोसा करे उसको काफी हो जाएगा। إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है, यकीनन अल्लाह ने हर चीज के लिए एक वक्त एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। तो बहरहाल हम में से हर एक का रिस्क मुकर्रर भी है, माँ के पेट में बच्चे का रिस्क लिखा जाता है, और जो मुकद्दर में है वो रिस्क मिलेगा, बस तरीके हलाल इख्तियार करें, उसी चीज को हराम से नहीं। यानी मसलन एक चीज को पाने के लिए दो दरवाजे जाते हैं, और आपको किसी एक का इंतखाब करना है और उसमें दाखिल होकर वहां तक पहुंचना, यानी जाते दोनों डोर जो है कॉरिडोर एक जगह पे जाके मिलते हैं। अब आप दाएं तरफ से जाते हैं या बाएं, ये आपकी चॉइस है। आप हलाल तरीका अख्तियार करते हैं या हराम, ये आपकी चॉइस है। मेहनत तो दोनों में करनी पड़ती है, हराम में भी मेहनत करनी पड़ती है और हलाल के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि जल्दबाजी ना करे और हलाल तरीके से ही रिस्क को हासिल करे। और फिर आप देखिए कि जमीन में चलने फिरने और कोशिश करने और मेहनत करने, इसका हुक्म दिया गया है। सूरत अल मुल्क रोज आप पढ़ते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ा ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर, वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ताबे कर दिया, सो उसके कंधों पे चलो, निकलो, काम करो, और उसके दिए हुए में से खाओ, और उसी की तरफ दोबारा उठ के जाना है, यानी मरने को ना भूलो, आखिरत की तैयारी ना भूलो, यानी दुनिया में लग के अपनी आखिरत को ना भूलो। अंबिया भी रिस्क की तलाश में जाते थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मक्का में छोड़े हुए खानदान को देखने के लिए आए, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर नहीं थे। जब कुछ दिनों के बाद तशरीफ लाए तो उस मर्तबा भी इस्माइल अलैहिस्सलाम घर नहीं थे, तो आप उनकी बीवी के पास गए, उनसे पूछा कि इस्माइल कहाँ है। उन्होंने बताया कि हमारे लिए रोजी तलाश करने गए, यानी काम पर गए। तो इसलिए लोगों के आगे हाथ फैलाने की बजाय इंसान खुद मेहनत करे, काम करे, और फिर एतदाल से काम ले, यानी सारा अपना वक्त, सारी एनर्जी, सारी जवानी, सारी मेहनत, सारा टैलेंट सिर्फ इस पे ना लगा दे, बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए भी वक्त निकाले, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए वक्त निकाले, बंदों की खिदमत के लिए वक्त निकाले।
फजैल बिन अयास कहते हैं, लोगों ने सच्चाई और हलाल रिस्क की तलब से ज्यादा अफजल जीनत किसी और चीज के साथ इख्तियार नहीं की। अबू सईद खुदरी कहते हैं, ऐ लोगो, तंग दस्ती तुम्हें रिस्क को नाजायज मकाम से हासिल करने पर ना उकसाए। और फिर जो असबाब अल्लाह ताला पैदा करे उनको इख्तियार करे। तवक्कुल असबाब के साथ होता है, असबाब के बगैर नहीं। और फिर ये भी याद रखिए कि इंसान के पास जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी होना अल्लाह को पसंद है, जबकि ज्यादा का मिल जाना अल्लाह की रजामंदी की अलामत नहीं। यानी आपको जो मिला आप उस पर अल्लाह से राजी, लेकिन अगर आप ज्यादा के लालच में और ज्यादा मिल गया तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह आपसे बहुत राजी। तो रदी अल्लाह अनहु व रदू अन, अल्लाह की रजा किसमें है और आपकी रजामंदी किसमें होनी चाहिए ये जानना भी बड़ा जरूरी है। रिस्क का घटना बढ़ना अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी होता है, और कभी रिस्क की कमी खैर का बायस भी होती और कभी रिस्क वाफिर मकदार में होना खैर का बायस होता है। अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं कि सारे इंसानों को वो सब कुछ ही दुनिया में ही दे दें जो वो मांग रहे हैं, लेकिन उससे नुकसान क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर अल्लाह अपने बंदों के लिए रिस्क फराख कर देता तो यकीनन वो जमीन में सरकश हो जाते, लेकिन वो एक अंदाजे के साथ उतारता है जितना वो चाहता है। यकीनन वो अपने बंदों से खूब बाखबर है, खूब देखने वाला है। कभी कभी अल्लाह ताला अपने बंदों को फकर से आजमाता भी है। अबू सईद खुदरी कहते हैं, उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में आजमाइश के लिहाज से सबसे ज्यादा सख्त कौन होते हैं, किसकी आजमाइश ज्यादा होती? फरमाया, अंबिया। उन्होंने अर्ज किया, इसके बाद कौन? फरमाया, उलमा। अर्ज किया, फिर कौन? फरमाया, नेक लोग। उनमें से किसी को जुओं के साथ आजमाया जाता है, यहां तक कि वो उसको मार डालती, यानी जिस्म के अंदर ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं कि वो उसकी मौत का सबब बन जाते हैं। किसी को फकर से आजमाया जाता है, गुर्बत से आजमाया जाता है, यहां तक कि वो छोटी सी कमीज के सिवा कुछ नहीं पाता, हालांकि वो बहुत नेक होता है, चनाचे वही वो पहन लेता है। इनमें से कुछ लोग जिनको इस तरह की तकलीफ दे आजमाइशों से गुजारा जाता है, वो उस आजमाइश पर बहुत खुश होते हैं बनिस्बत उस शख्स के जो कुछ दिए जाने पर खुश होता है। क्यों खुश होता? आजमाइश आ गई अल्लाह की तरफ से, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम पे आई थी, अल्लाह से नाराज नहीं थे। वो कहते थे, या अल्लाह, पहले मेरे बीवी बच्चे भी थे और मेरे माल असबाब भी थे, उनके लिए मुझे वक्त निकालना पड़ता था, अब तो सारे, जब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो मेरा सारा वक्त तेरे लिए हो गया, अब तो सिर्फ मैं और तू है। तो वो इस पर ज्यादा खुश थे, हालांकि बहुत तकलीफ में थे। तो कुछ लोग तकलीफ आने पर भी अल्लाह से बड़े राजी होते हैं और खुश रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें, अल्लाह ताला के पसंदीदा तरीन बंदे थे, लेकिन अक्सर वक्त फाकों में गुजरता था। एक सहाबी कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सारा दिन भूख की वजह से बेकरार रहते थे, यानी बाज़ोकत ऐसे दिन भी आते थे खराब खजूर तक ना पाते थे जिससे आप पेट भर लें। हजरत आयशा कहती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने अगर कभी एक दिन में दो बार खाया तो उसमें से एक वक्त सिर्फ खजूरें होती थी, पका हुआ खाना नहीं होता था, यानी वन मील अ डे होता था। तो बहरहाल ये तो अल्लाह का फैसला है, जिसको जितना चाहे दे और जिसका जब चाहे अपनी हिकमत के तहत कम कर दे। लेकिन आज चूंकि हमारा मौजू रिस्क में कुशादगी की दुआएं हैं, तो हम मुख्तसरन देख लेते हैं कि दुआओं के अलावा वो कौन से असबाब हैं जो रिस्क बढ़ाने का सबब बनते हैं, जिनसे रिस्क में इजाफा होता है। तो सबसे पहली चीज है ईमान और तकवा इख्तियार करना। ईमान और तकवा, सूरत अल-आराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस्समाई वल अर्द वलकिन कज़्ज़बू फअख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सबून। और अगर वाकई बस्तियों वाले ईमान ले आते और बचकर चलते, तकवा इख्तियार करते, तो हम जरूर इन पर आसमान और जमीन से बहुत सी बरकतें खोल देते, लेकिन उन्होंने झुटलाया तो हमने उन्हें इसकी वजह से पकड़ लिया जो वो कमाया करते थे। तो ईमान और तकवा से रिस्क आता है।
फिर ईमान और अमल सालेह नेक अमाल करने वाले के लिए भी रिज़्क़ का वादा है। सईद बिन मंसूर से मरवी है, वो इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं कि उनसे इस आयत के बारे में पूछा गया, मन अमिला सालिहन मिन ذكرن او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه, जो भी नेक अमल करे मर्द हो या औरत और मोमिन हो तो हम उसे जरूर पाकीजा जिंदगी बसर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा हयातन तय्यबा का माना हलाल रिस्क, यानी उसको हलाल रिस्क अता करेंगे और आखिरत में जब अल्लाह के पास जाएगा वला नजज़ियन्नहुम तो अपने आमाल का बेहतरीन बदला पाएगा। फिर आप देखिए कि दूसरी चीज यह है, यानी ईमान तकवा और अमल साले के बाद अगली चीज यह है कि इंसान अपने फराइज को अदा करे। कुरान मजीद में आता है رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, वो मर्द जिन्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज कायम करने और जकात देने से ना कोई तिजारत गाफिल करती है ना कोई खरीदो फरोख्त, वो उस दिन से डरते हैं जिसमें दिल और आंखें उलट जाएंगी ताकि अल्लाह उन्हें उसका बेहतरीन बदला दे जो उन्होंने किया और उन्हें अपने फजल से ज्यादा दे, और अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिस्क देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि चाहे आप बिजनेस करते हैं जॉब करते हैं, जब नमाज का वक्त आ जाए तो आपको नमाज के लिए उठ जाना चाहिए। फिर अल्लाह की इताअत के काम, अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है, वो कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई जान अपने रिस्क की तकमील के बगैर नहीं मरती, बस तुम अल्लाह से डरो और रिस्क की तलाश में म्याना रवि इख्तियार करो, कहीं ऐसा ना हो कि रिस्क का मुअख्खर होना डिले होना तुम्हें इस बात पे उकसा दे कि तुम अल्लाह की नाफरमानियां करके उसकी तलाश में पड़ जाओ। याद रखो जो कुछ अल्लाह के पास है वो उसकी इताअत करके ही हासिल किया जा सकता है। इब्न कय्यम कहते हैं जैसे अल्लाह का तकवा इख्तियार करना रिस्क के हुसूल का बायस है, इसी तरह तकवा छोड़ देना फक्र व फाका का बायस भी बन जाता है।